हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। यहाँ मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट मंथ रीडिंग। नेक्स्ट मंथ आने वाला हमारा मई है। ये टैरो कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है। आप इसको अपने नेक्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तब ये अप्लाई होगी, बट अभी हमारे आगे आने वाला मंथ मई है तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हो रही है। आप किसी भी रिगार्डिंग देख सकते हैं, ज्योडिक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इन पर्चियों में पूरी 12 राशियों के नाम हैं, 12 नंबर हैं। आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम करते हैं प्योर टैरो कार्ड रीडिंग, पर आपकी चॉइस है, मेरे व्यूअर की चॉइस है वो किस सिक्वेंस में अपने पाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमने 12 राशियों के नाम लिखे हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और 12 नंबर भी लिखे हुए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ इश्यूज़, एवरीथिंग। कंप्लीट रीडिंग हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं आप साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं देती हैं, तो ये लीजिए, साइन के अकॉर्डिंग आपके लिए रीडिंग लेके हम आ रहे हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने एक बनाई थी मई के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर पिक अ कार्ड, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर 12 सवालों के जवाब भी आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, क्योंकि 12 पाइल्स यहाँ पर दी जाएंगी और वो सिक्वेंस वाइज होंगी। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं इसको, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्लीट डिटेल्स देने की कोशिश करूँगी आपके लिए। आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि टैरो कार्ड अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं, तो ज्योडिक साइन, नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जब हम टैरो कार्ड रीड करते हैं, बिकॉज वो आपके सामने आते हैं। पर सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोग मून के अकॉर्डिंग दिखते हैं, कुछ लोग ज्योडिक साइन के अकॉर्डिंग दिखते हैं, कुछ लोग नंबर के अकॉर्डिंग दिखते हैं, तो उनकी चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी वे में देख सकते हैं। मेरे व्यूअर के लिए हर तरह से मैं कोशिश करूँगी चीज़ों को कवर करने के लिए। कार्ड बहुत पुरानी प्राचीनतम विद्या है, साइंस कह सकते हैं इसे, जो यूनिवर्स एनर्जी को खींचता है, ह्यूमन एनर्जी को खींचता है और मैसेंजर के थ्रू कार्ड्स के माध्यम से आपके सामने लाता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, बिकॉज जो टैरो कार्ड रीडिंग को देखते हैं वो कार्ड को देखकर समझ जाते हैं कि उसके मीनिंग्स क्या हैं। इतना व्यूअर में भी एनर्जी डेवलप हो जाती है, वो उससे इतना कनेक्शन फील करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल साइंस है, जो किसी ऐसी भविष्यवाणियों पर नहीं टिका है, ये एक प्रेजेंट एनर्जी पर टिका है, जो कि प्रेजेंट यूनिवर्स एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। और जो मुझे मेरी लाइफ का तजुर्बा हुआ है, इसने मुझे बहुत कनेक्ट किया है। दैट्स अ रीज़न मैंने इसकी से रिलेटेड वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पर डाला है। और पर लोगों की संतुष्टि के लिए यूज़र डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें लाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं इस बार लेकर आई हूँ ज्योडिक साइन के अकॉर्डिंग, नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट 4-4 करके मैं निकालूंगी ज्योडिक साइन के अकॉर्डिंग। ये आपके लक है किसका कब क्या नंबर आएगा, मैं सिक्वेंस वेज नहीं करूँगी। पर्चियाँ हैं, स्लिप हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रखते जाएंगे। तो फर्स्ट मैं 4 स्लिप निकाल रही हूँ, देन हम उनकी रीडिंग्स देखेंगे। 2 कार्ड्स रीडिंग करूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग्स काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये हमारा 3rd पर्ची, देखते हैं किसका नंबर कब कहाँ पर आएगा, किस राशि का। और ये हमारी 4th, अदर को मैं अभी साइड में रख देती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो स्टार्टिंग की 4 स्लिप हैं, इनमें किसका कहां पर क्या निकला है। चलिए तो करते हैं श्री गणेश। फर्स्ट पाइल के अकॉर्डिंग पहले हम निकालेंगे, हम 4 पाइल्स के लिए निकालेंगे, पर 1 by 1 निकालेंगे, इसलिए मैं शफल एक साथ कलेक्टिव शफल होगा ये, बट पाइल्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और मैं एंजल्स कार्ड्स नहीं लूँगी आज, मैं खुद निकालूँगी कार्ड्स को, वो आप देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वे में मैं आज शफल करके कार्ड्स निकालूँगी, इसलिए हम एंजल्स के आने वाले कार्ड्स अभी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पाइल रखी और 12 पाइल्स हैं हमारे पास, तो कम टाइम लगे, इसलिए मैं 4 पाइल के लिए एक साथ शफल कर रही हूँ और फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वे से हम कार्ड्स निकालेंगे आज। सॉरी, थैंक यू एंजल्स, हम आज एंजल्स कार्ड्स ना लेकर डायरेक्ट्स लेंगे, उसके माध्यम से हम एंजल्स कार्ड लेंगे। हम जो आएंगे कार्ड अपने आप, उन्हें आज हम नहीं लेंगे। कंटिन्यू कार्ड्स निकल रहे हैं पर हमारा आज वे ऑफ सिलेक्शन अलग है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच एंजल, पर आज हम अलग वे ऑफ सिलेक्शन के थ्रू एंजल्स कार्ड लेंगे। थैंक यू गॉड।
चलिए। हमें आज हम एक साथ शफल करेंगे क्योंकि 12 कार्ड्स हैं, तो फिर उससे हमारा टाइम थोड़ा सा बचेगा। अगर हम सिंगल सिंगल शफल करेंगे तो फिर कार्ड्स निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमारी चारों पाइल्स के लिए, हमारे चारों व्यूअर्स के लिए जिनकी पर्चियाँ यहाँ पर निकली हैं उनकी राशि के अकॉर्डिंग, उनके लिए हमें राइट कार्ड्स निकल के आए। इसी उम्मीद से मैं शफल कर रही हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। बट हम कार्ड नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे एंजल्स कार्ड अकॉर्डिंग टू पाइल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें एक साथ शफल करके फोर पाइल्स के लिए राइट और सही कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स गॉड, थैंक यू सो मच। एनर्जी ज़्यादा हो रही है जिस वजह से कार्ड निकल रहे हैं, बट एक्चुअली हमें थोड़ा अलग वे में करना है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कार्ड्स निकालने के लिए, क्योंकि चार पाइल एक साथ रखी है यहाँ पर। एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो सही कार्ड नहीं आएंगे, इसलिए हम शफल मैक्सिमम शफल करेंगे। मैं व्यूअर के सामने शफल इसलिए करती हूँ ताकि उनको खुद पता चले टैरो कार्ड्स में कार्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। किसी को ये गलतफहमी नहीं हो कि प्री शफल करके या हमें पहले से पता है हम क्या कार्ड निकाल रहे हैं। नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ आपके फ्रंट ऑफ कैमरा कर रही हूँ, ठीक है, फ्रंट ऑफ कैमरा हो रहा है ये, तो आप खुद ही देख रहे हैं कार्ड्स आ रहे हैं। बट थोड़ा सा आज मेरा शफलिंग और निकालने का तरीका कार्ड्स आज थोड़ा अलग वे में है, इसलिए शफल ज़्यादा करना है। आप चाहें तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप पेशेंस के संग पूरा देख सकते हैं। हमारे कार्ड शफल हो गए हैं, अब हम एक साथ सभी पाइल के लिए पूरे 78 कार्ड्स रखेंगे। टैरो कार्ड्स की ये जो डेक्स है इसमें 78 कार्ड हैं, आज आपको ये भी जानकारी मिल गई। तो चलिए अब हम निकालते हैं अपनी फर्स्ट पाइल के लिए। हम उम्मीद करते हैं एंजल गॉड से, देखें क्या आया है फर्स्ट पाइल। धनु राशि आई है सजिटेरियस फर्स्ट नंबर पर। ओके, आप जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे धनु राशि के लिए रीडिंग, उनके लिए हम फर्स्ट रीडिंग निकली है। बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट नंबर पर धनु राशि, आप नंबर के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। हमारे धनु राशि के लिए मई के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग, नॉट अ मई ओनली, बिकॉज टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तब अप्लाई होगा। वन कार्ड, नौमी के दिन चल रहे हैं। चलिए तो आप ही के सामने कार्ड निकाला गया है, हमें भी नहीं पता है। छह मतलब हम यकीन करते हैं कि पूरे गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्टिस कार्ड आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये कार्ड बताता है कि आपको किसी चीज़ की लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं। कुछ होता है ना कि लाइफ में कुछ ट्रेजरी हो जाती है, तो इंसान चाहता है कि उसे कुछ सुकून मिले। वो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो अटकी हुई हैं, या फिर आपका कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ लोगों का डिवोर्स इश्यूज़ भी हो सकता है यहाँ पर,
कुछ लोगों का आपके प्रॉपर्टी, हाउस रेंट वगैरह कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसमें लीगल चीज़ आ गई है, कुछ उसमें जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप स्टिल, तो बहुत लंबा समय हो गया है, फाइनेंशियली आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है इस वजह से, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, जिसके संग जो रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, सब लोग सारी चीज़ें मत लीजिएगा। फाइनेंशियली आप बहुत घाटा फील कर रहे हैं इस वक्त, ये थोड़ी सी सिचुएशन मई में भी माफ़ कीजिएगा रहने के चांसेस हैं धनुराशि के लिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ किसी भी रिगार्डिंग है तो थोड़ा सा आप परेशान हैं, वो परेशानी कम होती यहाँ पर नहीं दिख रही है, माफ़ कीजिएगा बट ये नहीं दिख रही है, बिकॉज देखिए मैंने आपको बोला ना साइंस पे बेस्ड होते हैं ये चीज़ें, रीज़न आपको पता होगा, आप वेट कर रहे हो कहीं पर कुछ जस्टिस अटका हुआ है, रीज़न हम ये भी कह सकते हैं अगर कुछ वाकई में किसी की लाइफ में लीगल मैटर है तो कुछ लॉकडाउन की वजह से भी चीज़ें अटक गई हैं, लॉकडाउन की वजह से लोगों को फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है, लव लाइफ में भी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया काफ़ी चीज़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है जैसे आपको रेजोनेट करें वैसे ले लीजिएगा, बट इसमें आपके लिए अच्छी बात यह है बिकॉज ये मंथ वाइज जा रहा है थोड़ा सा, तो जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस होगा आपके संग, ये जो देखिए ना 10 नंबर है, 10 का आपके 11 नंबर है, सॉरी 11 नंबर है ये, तो आपको जस्टिस मिलेगा, ये इंसान जो है हाथ में तलवार उठाए हुए हैं, ये जज जस्ट लाइक अ जज तराजू लिए हुए हैं, ठीक है तो और ये स्पिरिचुअल भी कनेक्ट है, तो ईश्वर से भी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो चीज़ों के आपको जस्टिस मिलेंगे, सो डोंट वरी। और यस नो क्वेश्चन का आंसर आपका यस है, यस है, प्रॉब्लम्स खिसक जाएंगी, तो यस मई आपके लिए ऐसा लाइफ में होगा कि चीज़ें स्मूथ होकर निकल जाएंगी, एंड एंड ऑफ मई तक आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ये चीज़ गुड है आपके लिए, ओके तो चलिए 12 राशियाँ हैं इसे हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, थैंक यू सो मच, और इनके लिए हम यहाँ पर रखते हैं इन्हें साइड से रख लेती हूँ, मैं रखती हूँ, ओह शिट कैमरा हिल गया कोई नहीं, चलिए और हम इन्हें भी धनुराशि को भी हम यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारी रीडिंग हो गई है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। ओ कुंभ राशि क्रिस, ओके चलिए सोच रहे होंगे क्यों बोला दिमाग लगाइए क्यों बोला, समझ जाएंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए एक कार्ड हम इधर से लेंगे, थैंक यू एंजल्स, और एक कार्ड हम लेंगे यहाँ से, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, जय माता दी, जय लक्ष्मी, ओके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब भी प्रार्थना करें मन में अपने सवाल को 9 टाइम दोहराएं, इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो आपके माध्यम से इसमें कनेक्ट होगा, उतना ही करेक्ट आंसर मिलेगा, चलो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, वाओ देखो मैंने कहा और वही चीज़ हो गई अब यहाँ मैं बताती हूँ मैंने क्यों बोला था, ये मेरी राशि है ओके मैं कुंभ राशि से हूँ, लीजिए आपको ये भी बता दिया हमने, ठीक है बिकॉज आप मेरे व्यूअर हैं और आज मैं जो कुछ भी चीज़ें कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस, ओके और देखिए कितना प्यारा निकला है कितना प्यारा निकला है ना, क्योंकि बिकॉज ये जो मैं निकाल रही हूँ ना ये ऐसा नहीं मुझ पर अप्लाई नहीं होगा, मुझ पर भी अप्लाई होगा, ओके ये मेरे लिए भी अप्लाई होगा, मेरी राशि पर भी अप्लाई होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू राशि हम जाते हैं, तो कितने क्या प्यारे कार्ड्स निकले हैं आप यहीं पर देख लीजिए, अब ओ 2 मिनट्स कट 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 कट, ओके हम कार्ड रीडिंग करते हैं, कट 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 बिकॉज आई एम सेइंग बिकॉज मुझे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके अपनी रीडिंग्स नहीं करनी है, मुझे आप लोगों की रीडिंग्स करनी है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग जो कुंभ राशि के लोग हैं उनकी पैसों की स्थिरता आएगी, पैसों पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी एनर्जी लेवल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ा विचार विमर्श करके धीरे धीरे एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, और यकीन मानिए सक्सेस होगी, मई इज़ अ ऑसम फॉर यू ऑल पर्सन,
एवरीवन। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, मैरिज हो जाएगी कुछ लोगों की, तो मैरिज है तो बेबी कंसीव हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा या डिलीवरी होगी, इन अ मई इज़ अ वेरी गुड फॉर यू। ओके, जितने भी व्यूअर हैं वो, उनको अगर स्टक कंडीशन में भी है ना तो डोंट वेरी, ये आपको ये चीज़ दिलाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम ने ऐसा बोल दिया और हमारी तो प्रॉब्लम ऐसी है, तो आप ये समझो अभी आप इस कंडीशन में हो, थिंकिंग कदम नहीं बढ़ रहा है, जस्ट थिंकिंग है माइंड में, पर तैयार है जंग पे जाने के लिए, ठीक है। और जंग पे जाने के संग अपने पेंटिकल्स यानी अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, ये पोजिशन है आपकी। अगर ये मैंटलिटी है आपकी तो फ्यूचर ये है आपका, हैप्पी पर्सनल लाइफ, हैप्पी प्रोफेशनल लाइफ, हैप्पी। हेल्थ इश्यूज है, ठीक हो जाएगा, डोंट वेरी, बहुत जल्दी, वेरी सून, वेरी सून। एग्जाम का टेंशन है, क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेलिंग कुछ भी, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा, हो जाएगा, सही इन्वेस्टमेंट, सही डिसीजन, सही चीज़ें बहुत जल्दी होंगे। ओके, हम यहाँ इन्हें ख़त्म करते हैं रीडिंग्स को, और ये को हम रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंसेस्टर, जय माता दी। ओके, नेक्स्ट हमारी देखते हैं किन की किस्मत का ताला थर्ड नंबर पे खुला है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा बीच में, फैमिली लॉकडाउन सब घर पे। चलिए क्या है, हाँ जी वृश्चिक। ओके, तो ये है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो, हम इसको इन्हें रखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ बैठ जाइए, आपकी रीडिंग करते हैं अपने कार्ड्स में से। प्लीज़ माता रानी, तो हम देखते हैं, हम इसका कितने कार्ड निकालते हैं, दो कार्ड हमें दे दीजिए ईश्वर, वन इज दिस वन एंड सेकंड 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 कार्ड इज, थैंक यू हमारी। आपको कंटिन्यू माइंड में प्रेयर रखनी है जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, 7 to 9 times, 11 times जो आपका मन करे, सारे सवालों के जवाब वृश्चिक राशि को रिकॉर्डिंग टू माई मिल जाए। पेज ऑफ कप, थ्री ऑफ वैंड्स, फीलिंग्स, बहुत इमोशनल पर्सन है आप, कैमरा बहुत हिल रहा है, बहुत इमोशनल पर्सन है आप, फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, कुछ लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस रिगार्डिंग, हेल्थ इश्यू, किसी भी रिगार्डिंग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, बाहर बाहर निकल के कूद रही हैं आपकी फीलिंग्स, इट्स नॉट ओनली फॉर लव लाइफ, एवरीथिंग एवरीथिंग। जो मेरे व्यूअर हैं बहुत इमोशनल पर्सन है, संभाल नहीं पा रहे हैं, अपसेट हैं, स्ट्रिक हो गए हैं, कुछ लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं, कुछ लोग विद सपोर्ट कुछ आगे करके जाना चाहते हैं, बट ये छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, बिल्ड नहीं कर पा रहे, स्ट्रांगनेस नहीं आ पा रही आप में। दोनों जगहों पर आपको एक चीज़ प्लस सेम गौर करनी होगी, कहीं पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, थिंकिंग हो रही है, ये सिचुएशन थोड़ा सा मई में भी दिखाई देती है। प्लस पॉइंट ये है यस नो में यस है। ओके, और हाँ मैं लास्ट वाली रीडिंग में यस नो बताना भूल गई हूँ, उसका तो बिग यस है, बिग 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 यस है। ओके, इनके लिए जो है ये नॉर्मल यस, बट कंट्रोल योर फीलिंग प्लीज, थोड़ा सा माइंड से भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है, हर चीज़ में सोच विचार करके बस सोचते रह जाना, सोच तो रहे हैं पर खुद के बूते पे नहीं ना, बैक सपोर्ट लिए हैं पीछे, कैसे बढ़ोगे आगे, यहाँ अभी खुद के बूते पे खड़े हैं तो देखिए फीलिंग अनकंट्रोल हो रही है, कैसे करेंगे, यही चीज़ मेरी में थोड़ी सी सिचुएशन दिखाई देती है, फीलिंग्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, सबसे हाई लेवल चीज़ यही है, और ओवर थिंकिंग कम करने की ज़रूरत है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ओवर थिंकिंग, जस्ट थिंकिंग, दोनों कार्ड्स में से कोई एक्शन नहीं है, जस्ट थिंकिंग, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, यस है सवाल का जवाब, बट सर लिटिल बिट्स इज यस, ओके यस, ओके ठीक है, चलिए, बट हाँ अच्छी रीडिंग है, विचार करके थोड़ा सा फीलिंग कंट्रोल करने का है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, हम इन्हें रख देते हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे हमारे किसकी राशि,
सिंह, ओके लियो, इन्हें हम यहाँ रख देते हैं सिंह राशि लियो, इनके लिए हम देखते हैं लियो सिंह राशि के लिए प्रेडिक्शन। हम दो कार्ड रीडिंग करेंगे, वन ये है हमारे, ठीक है। चलिए 2 सेकंड के लिए ध्यान कीजिए मन में, एंड देन लियो, दिल बड़ा टूटा रखा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वक्त बहुत बड़ी दवा है, मरहम सबसे बड़ा मरहम वक्त है, जो टाइम के संग सब ठीक कर देता है। ओके जी, तो देखिए पेंटिकल्स को लेके आप ओवर कॉन्फिडेंट थोड़े से हो रहे हैं, यस नो सवाल के अकॉर्डिंग मे बी ये कर सकते हैं आप, बिकॉज मे बी इसलिए कर सकते हैं कि एकदम से चीज़ें नहीं हैं, मे बी है इसका जवाब, नॉट 100% श्योर। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर दिल टूटा हुआ है, आप देखो कितना बुरा जख्म लगा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये ना कुछ भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ इशू, हेल्थ सही नहीं चल रही है आपकी, डर है, कोविड हो गया है क्या, तो बहुत पेनफुल कंडीशन में हैं आप, बहुत ज़्यादा, और जो बिजनेस है उसमें भी जो ग्रोथ रुक गई है वो भी आपका ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि औरों ने आपके संग दगा किया है, और सपोर्ट करते तो इतना पेन नहीं होता, कार्ड को देखकर ही देखिए कितना फील होता है ना दर्द, 3 खंजर गुपे हैं, बड़े दर्द में है एनर्जी। यहाँ पर पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, धोखा मिला है, फाइनेंशियली लॉस झेला है, झेल रहे हैं, थोड़ा सा मई में एनर्जी ये कंटिन्यू रहने के चांसेस है, बट एंड ऑफ मई इट्स अ एक थोड़ा सा एक होता है ना, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उस चीज़ को मूव ऑन करने की स्टेज से पहुँच जाते हैं, वो चीज़ आ जाएगी, अभी ये कंडीशन है बट एंड ऑफ मई तक ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, इतना टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, चीज़ें आगे चल के इम्प्रूव वे में चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डीलिंग की, आपने अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के रिगार्डिंग चीज़ों को फैला रखा है, तो उस चीज़ को सेटअप उस वे में नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से आप स्ट्रक हो गए, परेशान हो गए हैं, तो डोंट वेरी, एंड ऑफ मई तक कुछ ना कुछ निकल आएगा फाइनेंशियली चीज़ों के साथ, तो इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। और आपको ये सलाह दी जाती है पेन से, मतलब मूव ऑन करने की सलाह है आपके लिए, मूव ऑन कीजिए आप, विदाउट मूव ऑन थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल रहेगा, बट मूव ऑन करना पेनफुल होता है मानती हूँ, पर मूव ऑन करना ज़रूरी भी तो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इन सारे कार्ड्स को अगेन लेते हैं, हम दोबारा सफ़र करेंगे न्यू स्लिप लेने के लिए, यहाँ से ही मैं डायरेक्ट नहीं करूँगी, चलिए मैंने मिक्स करते हैं, ओके। यहाँ पर हम अगेन हम निकालते हैं, फाइव, फोर हम पहले निकाल चुके हैं, अब फाइव से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 5, 6, 7, 8, और ये जो 4 बचा ये हम बाद के लिए लास्ट में हम इन्हें सीक्वेंस नंबर देंगे। अब हम इन्हें देखते हैं, चलिए हम
हमारी जो अभी 4 राशियाँ हमने सफल करके निकाली हैं उनके अकॉर्डिंग प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिए मुझे, जो हमने 4 राशियाँ भी निकाली हैं उनके अकॉर्डिंग। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, जो एंजल्स के कार्ड निकलेंगे वो मैं ऐसे नहीं लूँगी, मैं खुद कार्ड निकालूँगी। 5, 2, 6, 7, 8 ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंसेस्टर। ओके सो बेस्ट ऑफ लक। अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट क्या आई है, जेमिनी। ओके मिथुन राशि, चलिए इन्हें देख लेते हैं। चलिए हाँ जी, तो हमारी मिथुन राशि के अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन के लिए प्लीज कार्ड दीजिए हमें। 2 कार्ड चाहिए, 1 कार्ड मुझे दिख रहा है आपको और 1 कार्ड प्रोडिक्शन फॉर मिथुन राशि, मिथुन राशि 1 कार्ड दिस। ओके हमारे 2 कार्ड हमें मिल गए हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से मई की रिगार्डिंग और विदाउट मई भी, अकॉर्डिंग टू राशि, अकॉर्डिंग टू नंबर, 5 नंबर है, मिथुन राशि है। चलिए 10 ऑफ कप, द एम्परर, वेरी गुड। सवाल का जवाब बिग यस, ओके यस नो आंसर में पूछ रहे हैं, तो देखिए बिग यस आया है, बिग यस है आपके लिए। दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हैं, अलग ही दिख रहा है। यहाँ हैप्पी फैमिली है, तो यहाँ एक मजबूत इंसान जिसने खुद को अपने बूते पर बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया है, एम्परर बिल्ड किया है, स्टोन की कुर्सी पर बैठा हुआ है ये इंसान, इसने खुद को खुद बिल्ड किया है। आप खुद को बिल्ड करेंगे, जो जिस तरफ आप ग्रोथ कर रहे हैं, जिस काम में आप लगे हुए हैं उसी को करते जाइए, आप खुद को बिल्ड कर लेंगे। मई आपका बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, एजुकेशन, स्टूडेंट है तो ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है, जो भी है बहुत 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 बेहतरीन रहेगा आपका मई। बिग यस है अकॉर्डिंग टू सवाल, ठीक है। जो भी चीज़ है रिटेल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो इन्हें मैं रख देती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सिस्टर। ये थी इन शॉर्ट रीडिंग। नेक्स्ट 6 नंबर कार्ड है, ये 6 नंबर कार्ड है हमारा, राशि तुला, लिब्रा। ओके तो इन्हें हम रख देते हैं यहाँ पर और हम निकालते हैं लिब्रा तुला के लिए कार्ड, तुला राशि के लिए कार्ड, प्रेडिक्शन फॉर तुला राशि लिब्रा। 1 कार्ड दिस लिब्रा के लिए, प्रेडिक्शन लिब्रा के लिए, प्रेडिक्शन लिब्रा के लिए, प्रेडिक्शन प्रे टू गॉड, प्लीज 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 गिव मी राइट आंसर, प्लीज प्लीज राइट आंसर फ्रॉम योर चैरियट। 7 ऑफ कप्स, बिग यस है सवाल का जवाब, पहले तो ये सुन लीजिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही है ना मई, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए कितना सब कुछ है इस इंसान के पास, एक बहुत बड़ा लाइफ एक्शन लेने वाले हैं आप, डिसीजन लेने वाले हैं रिगार्डिंग टू पर्सनल लाइफ, हेल्थ, मैरिज, कुछ भी मुझे ऑपरेशन के रिगार्डिंग आया, तो यह सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन वगैरह कुछ होना है तो सक्सेसफुल रहेगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे वे में रहेंगी चीज़ें, चीज़ों को एक्शन लेके आप चीज़ों को अच्छे वे में करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सोच समझ कर लीजिएगा, कार्ड को गौर से देखिए, आपका लिया गया एक्शन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। बहुत ऑप्शन आएंगे, एक्शन का कार्ड है मई में, कुछ बिग लाइफ चेंजिंग एक्शन ले सकते हैं आप, बिग लाइफ चेंजिंग एक्शन।
ओके, ये लॉन्ग फ्यूचर रीडिंग नहीं है, बट हाँ मई इज़ अ गुड फॉर। मई के इस एक्शन को लेने के बाद क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। यहाँ यह मई अच्छा निकलेगा, और जो चीज़ अभी नेगेटिविटी में भी अगर आप हैं, अगर बाई चांस ऐसा कुछ है तो फिर वो सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, आपके एक्शंस आपकी चीज़ों को सुधार देंगे, और आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लॉट्स ऑफ जस्ट लाइक दिस, बहुत कुछ। पर सोच समझ के टेक केयर योर सेल्फ। ओके, ये थी लिब्रा तुला। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, देखें कौन सी है सेवन नंबर पे, किनको मौका मिला है सेवन नंबर पे। ओके, एरीज यानी मेष, इन्हें रखते हैं हम यहाँ पर। और अब हम चलते हैं, ये वन कार्ड, सेकेंड कार्ड, थैंक यू एंसेस्टर गॉड्स, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टीज, मुझे बहुत पसंद है दोनों कार्ड। बिग यस है, बिग से भी बिग, यानी सुपर से ऊपर वाला यस है। पैसा इन्वेस्ट करना है, कर दो, खतरनाक फायदा होने वाला है। ओके, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने वाले हो गॉड के संग, एक अजीब सुकून होगा जिंदगी में जिसका लंबे समय से वेट कर रहे हैं। डिटेल नहीं, डिटेल रीडिंग्स पे नहीं जाऊंगी मैं, बट हाँ बिग यस है, ये पेंटिकल्स है। इंसान जो भी करता है पैसों के लिए, काफ़ी कुछ वर्क रिलेटेड जो है, प्रोफेशनली बात की जाए तो आप जो भी पर्सन हैं वो एक्चुअल में जो है आप, वो एक्चुअल में लोगों को नहीं पता है कि आप क्या हैं। एक हाई प्रिस्ट्रेस, देखिए किस तरह से ये पकड़ी है, आधा इसके अंदर छुपा हुआ है। एक्चुअल में लोग नहीं जानते क्या है, लोग सोच रहे हैं बेचारी कपड़े, वाइट कपड़े, जस्ट लाइक अ विडो, सिंपल सी, बट देखिए कितना रिच, कितना रिचनेस है, स्पिरिचुअल कितनी कनेक्ट चाहिए, ये देखिए स्पिरिचुअल कितनी कनेक्ट चाहिए, गॉड के संग डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। ये जो विश करती है वो पा लेती है, चांद को भी पैरों तले रखती है ये। ये बॉयज़ के लिए भी हो सकता है, गर्ल्स के लिए भी हो सकता है, ये काबिलियत है आप में, म्यूजिशियन बनने की काबिलियत है आप में। चांद पैरों तले रख ले, इतनी पावर, पेंटिकल तो उसके पास आने ही हैं, कहाँ जाने हैं, काबिलियत बहुत है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, मैसेज छोड़िए वहाँ पर, ये आपके एरिस के लिए है, इसको हम साइड में रखते हैं। मेष राशि जी, और हमारी ये जो देखिए क्या आता है एट नंबर पे, कर्क कैंसर, बेस्ट ऑफ लक फॉर कैंसर, लेट्स सी क्या है आपके लिए कर्क राशि के लिए, हमारी क्या निकली है प्रेडिक्शन। वन कार्ड एंड सेकंड प्रेडिक्शन फॉर कर्क राशि कैंसर, प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन में अपनी, मैं दोबारा बोलूँगी अपने सवाल को, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी बार चाहें दोहराते रहिए, कुछ और सब चीज़ों को काट दीजिए, जो सवाल के जवाब चाहिए ना उसको दोहराते रहिए एंड लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। वाह, देखो मैंने कहा लेट्स सी क्या आया है आपके लिए, ब्यूटीफुल कार्ड, सेलिब्रेशन, शादी, लव, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, अबंडेंस, देखिए क्या चाहिए, सब कुछ। सेलिब्रेशन कार्ड आ गया है भाई, शादी कार्ड आ गया है, लव कार्ड आ गया है, लव मैरिज होनी है, यस होनी है, 100% होनी है, लवर्स की तो लव मैरिज ही होनी है, ठीक है, यहाँ लवर्स की लव मैरिज होनी है, कोई आपका लव क्रश है, आपकी मैरिज होने के 100% चांसेस है, बट प्रपोज तो करो। ओके, तो जो भी है प्रपोज कीजिए, शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर शादी, यहाँ पर मैं शादी इसलिए भी बोल रही हूँ, ये देखिए वन स्टेप, ये नंबर है 4, नंबर कार्ड इज लवर, द लवर, 6 सॉरी 4 नंबर कार्ड इज मंडप,
सेलिब्रेशन पार्टी। फाइव को छोड़ दीजिए, फाइव को हम एक्शन मान लें तो सिक्स नंबर नंबर कार्ड्स फ्रेंड्स का है और ये मंडप को दर्शाता है, सेलिब्रेशन को दर्शाता है, फैमिली के संग मस्ती को, प्लानिंग को, चीज़ों को दर्शाता है। और ये आपका लवर्स कार्ड है, ये आपका लवर्स कार्ड है। तो जब लवर्स कार्ड आ गया आपका फोर नंबर, तो फाइव को हम आपका एक्शन समझ लें और ये सिक्स नंबर कार्ड इज अ लवर्स कार्ड, तो लव मैरिज तो होने ही है। दोनों कार्ड आगे हैं, बिग यस है आपके लिए, ठीक है, बिग यस है। और बाकी बिजनेस रिगार्डिंग पर्सनल हेल्थ, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, कोविड भी हो गया है ना, डोंट वेरी, संभल जाओगे। ओके, जो भी है, अगर ऐसा है कि कोविड हो गया है, एक टेंशन हो रही है कैसे क्या होगी, कैसे क्या रिकवरी होगी, डोंट वेरी, बिकॉज ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है। और एक प्यार से जब फैमिली को ट्रीट करती है तो अच्छे से अच्छी बीमारियों से इंसान उग जाता है। तो कोविड क्या चीज़ है, माइंड का खेल है, डिपेंड ऑन यू कि आपने आपके माइंड को हैक कर रखा है या आपके माइंड ने आपको हैक कर रखा है, समझ रहे हो। ये अलग पार्ट है, ये पार्ट है मेडिटेशन का, बट मैं इसको यहाँ पर भी कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज हम कर रहे हैं बार टैरो कार्ड रीडिंग की और मुझे बहुत अच्छी लगती है मेडिटेशन भी, आई लव मेडिटेशन, आई एम क्रेजी अबाउट मेडिटेशन, सो वो अलग पार्ट है। बट जो भी स्पिरिचुअल कनेक्ट पर्सन होते हैं थोड़े बहुत भी, या कोई रीडिंग देते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग कनेक्ट मेडिटेशन करते हैं, अब उनसे बहुत अच्छे लेवल पर कनेक्शन मेडिटेशन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वे में कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अलग पार्ट है, सब माइंड का खेल है। अब हम अपनी लास्ट फोर्थ स्लिप में से देखते हैं इन्हें क्या नंबर मिलते हैं, किसकी किस्मत किस नंबर पे आती है, बिकॉज हम चीटिंग करके ऐसे ही स्लिप नहीं रखेंगे। पेशेंस सबसे बड़ी चाबी है आपके सही जवाब की। ये एट तक हमारे हो गए थे, ये नाइन नंबर है। 10, 11 एंड लास्ट फाइनल 12। चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक माय व्यूअर। मैं एंजल्स के लिए कार्ड्स नहीं ले सकती, थैंक यू एंजल्स, मैं रिवर्स कार्ड भी नहीं लूँगी एंजल्स, हम खुद सफल करेंगे और हम अपने व्यूअर के एनर्जीज को लेंगे, जो हमारे व्यूअर हैं, थैंक यू एंजल्स व्यूअर हैं, थैंक यू माता रानी। मैजिशियन, आई लव दिस कार्ड, आई लव, वाओ, मैजिशियन एंड प्रपोजल, कोई प्रपोज कर रहा है, बिजनेस रिगार्डिंग प्रपोजल आ सकता है ये। चलिए, ये मेरे फेवरेट कार्ड आ गए एक्चुअली, इनको मैं कैसे नकार सकती हूँ। एंजल्स भी ना बड़ी शनौती हैं, इनको पता है कि वो कार्ड दे दो जो फेवरेट है, फिर देखते हैं लेती है कि नहीं लेती है। चलो कोई नहीं, देखिए अब मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ, ये उन लोगों की किस्मत के लिए है जो इस समय ये वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज़ ये पूरी वीडियोस के अलग है। आपने देखा मैं आपके सामने शफल कर रही थी और ये कार्ड्स आ गए हैं, मैं इनको नहीं, इन कार्ड्स को तो मैं इग्नोर कर नहीं सकती। आपकी ज़िंदगी में कोहराम मचा पड़ा हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी लाइफ में कोहराम क्यों ना मचा पड़ा हो, आप ऐसे मैजिशियन बनने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के, इतने इनर आउटर आप कनेक्ट होने वाले, जो पर्सनल से आपके निकलने के आने वाली है, आगे आने वाले फ्यूचर, सर लाइफ टाइम रीडिंग आई गिव यू दिस टाइम, इतनी हाई लेवल आप जिस भी पावर को मानते हैं, आप अगर नास्तिक भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ये विश पूरी नहीं हुई है इसलिए हम छोड़ देंगे, हम भगवान की शक्ल नहीं देखेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पर डिपेंड नहीं है, पर यकीन मानिए कर्म प्रधान भविष्य है, यकीन मानिए, ये मेरी परखी हुई चीज़ें मेरी लाइफ के 21 साल का तजुर्बा है, कर्म प्रधान ही भविष्य है। और ये गॉड्स आए हैं तब जब मैं कंटिन्यू एंजल्स एंसेस्टर गॉड्स ईश्वर को ये कह रही थी कि मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझे ऐसे कार्ड दिए जो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जो लोग भी ये इन बातों को सुन रहे हैं, इनको लिखकर आज की डेट में, आज के टाइम में लिख लीजिए, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय से, किसी भी एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हो,
पर अगर अभी आपने लाइफ में स्टार्टिंग फेज में है, स्टार्टिंग फेज मीन्स इज कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है क्या अचीव करना है लाइफ में, उस फेज में है, तो आज से आगे आने वाले 10 ईयर, डेट लिख लीजिए 10 ईयर बाद क्या होगा, 10+0, 10 को हम 1+0 लिखते हैं, 10 आता है साइंटिफिकली, मैंने 2 कार्ड को आपको प्रूफ करती हूँ इन अ शॉर्ट वे, 1+0 इज अ 10, इज अ नंबर इज अ 1, ये पर्सन इन्फिनिटी साइन इज अ 8, इन्फिनिटी स्पिरिचुअली मेडिटेशन करके हाई लेवल ग्रोथ, 7 चक्र इसके जागृत हैं, सारी चीज़ों को डील करना आता है इसको, आज स्पिरिचुअली फाइनेंशियली पेंटिकल साम दन दंड भेद सब अपना जानता है, ये लोग इससे गाइडेंस लेते हैं। एक वो कहा जाता है ना कि इंसान भैया वजनदार आदमी है, वो पोजिशंस आफ्टर 10 ईयर बाद आपके आ जाएगी, नोट कर लिया तो अपने इनर सोल की सुनिए हमेशा आवाज़, इनर सोल की आवाज़ सुनिए जो गाइडेंस आएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है अगर ये 1% भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं 10 साल बाद उस मुकाम पे पहुँच ही जाऊँगा, तो याद रखिए थोड़ा सा ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, अपना 100% नीचे की ज़मीन पे लगा दीजिए, नीचे की ज़मीन को बिल्ड करने में, जैसे इसने लगा रखे ना खेत फूल पौधे यहाँ उगाए हैं पर ऊपर से भी बरस रहे हैं, आप तो यहाँ वर्क कर लो, बस धरातल पर वर्क कर लो, ज़मीन पर वर्क कर लो, फेंको नहीं मीन्स फेंको मत, किसी को मत बोलो ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ मत बनो, करके दिखा दो, दुनिया जान जाएगी। ये कार्ड्स अगर आप देख रहे हो, सबके संग मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, आपकी ज़िंदगी में भी अगर लव मैरिज के रिगार्डिंग कोई चीज़ है, लव मैरिज होने के चांसेस हैं बहुत हाई लेवल, 99.99% उन लोगों के लव मैरिज होने के चांसेस हैं अगर वो एफर्ट बेस्ड जाएंगे तो, विदाउट एफर्ट कुछ नहीं होता, ये भी इसको ये चीज़ दे रहा है ना, ठीक है ना, वो सोच रही है, पकड़ा नहीं है उसने, तो एफर्ट्स पे चीज़ें डिपेंड है, यही फ्यूचर है, एफर्ट्स फ्यूचर डिसाइड करता है, ये टैरो कार्ड बोलते हैं, आपका एक्शन बदल देती है चीज़ें, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं 3 महीने में, अगर आपने गाइडेंस लेने के बाद, गाइडेंस आपको किसी माध्यम से मिला, एस्ट्रोलॉजी से मिला, आपको नंबरोलॉजी से मिला, मेरे माध्यम से मिला, किसी भी माध्यम से आपने गाइडेंस लिया, आपने एक्शन नहीं किया, आपने सोचा मेरे भाग्य में लिखा है तो मिलना ही है मेरे को, कर्म नहीं किया, खाने की थाली लगी है खाया नहीं, पेट में कैसे जाएगा, डॉक्टर ने बोला तुम्हें कुछ नहीं होना, तुम दवाई नहीं खाई, तो कोविड हुआ रखा है, केयर नहीं की, तो बचोगे क्या, नहीं बचोगे ना, तो बात वही है, आफ्टर 10 ईयर आप बहुत मैजिशियन पर्सन बनने वाले हो, यहाँ पर वर्क करना है, ग्रोथ पे, धरातल पे वर्क करना है, जमीन पे वर्क करना है, एक एक ईंट को रखना है आपको, एक एक ईंट को रखना है, प्रॉपर उन्हें पानी देने, प्रॉपर धूप लगनी चाहिए, समझ रहे हो, इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लो, मतलब आप पसीने से ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर मेहनत यहाँ पर इतनी भयंकर करो कि फूल उगने लगे तो मैं दिखे कि यार ये मेरी मेहनत का फल है, आप धरातल पर मेहनत कर लो, ऊपर से तो जो ब्लेसिंग आएगी ना, जो ब्लेसिंग आएगी आपकी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना बेटर होगी, एक नंबर होगी, एक नंबर ब्लेसिंग, समझ रहे हैं, और अपनी नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करना, इन्फिनिटी हर अपनी नेगेटिव चीज़ को माइंड को हैक कर लेना, वो कर लेना है, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना है, एग्रेसिवनेस को कम करना है, इनर सोल को जगाना है, इनर पावर जगानी है, इनर पावर आपके आउटर निकल के आएगी, आप अपने आप ये बन जाओगे, ये ब्लेसिंग आ जाएगी, भगवान से नाराज होने से कुछ नहीं होता, ब्लेसिंग चाहिए तो यहाँ तो वर्क करो धरातल पे, और धरातल पे फेंको वर्क नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला वर्क होना चाहिए, ठीक है, मैं अभी 2 कार्ड को रख रही हूँ, एक्स्ट्रा कार्ड थे हमारे बट माई फेवरेट कार्ड्स, तो इन्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ रखेंगे आप, तो यहाँ रहिए और आप यहाँ आ जाइए खुश, एंड थैंक यू, देखा ले लिया हमने आउटर कार्ड्स भी, चलिए हमारी जो लास्ट राशियाँ बची हैं, हमने 8 तक के कवर कर लिए थे, पॉइंट पे आते हैं, कम बैक नाउ पॉइंट, तो 8 तक कवर हो गए थे, 9, 10, 11, 12 4 राशियाँ बची हैं, उनके रिगार्डिंग हम सफल करेंगे, प्लीज एंजल्स, ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
चलिए अब हम देखते हैं अपनी बाकी की राशियों के लिए, देखते हैं किसके लिए निकलता क्या है और किस राशि का नंबर आता है। अब आपने कभी सोचा है इतने सारे कार्ड्स में से वही कार्ड क्यों आता है जो आपके सवालों के जवाब दे देता है? यही तो खेल है यूनिवर्स एनर्जी का। जो इतने सारे व्यूअर होते हुए भी जो आपके मन में सवाल होता है उसके रिगार्डिंग वो आपको टच करता है वहाँ से, क्योंकि चीज़ें आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती हैं, कि ये चीज़ें यूनिवर्स में कनेक्ट हैं, इसलिए ऐसा होता है। हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की हो, किसी भी चीज़ की, इवन कोई नॉन लिविंग थिंग क्यों ना हो, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इसे हम अलग लैंग्वेज में ऑरा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, टॉरस, वृषभ राशि। तो चलिए अब आ गया है इस राशि का नंबर और देखते हैं क्या निकलता है इनके लिए। हमें हमारा पहला कार्ड मिल गया है, हमें हमारा सेकंड कार्ड भी मिल गया है, तो बेस्ट ऑफ लक। प्रे कीजिए आपके सवालों के जवाब मिले। थैंक यू। पेज ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स के संग आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पर उस तरफ आपको गौर करने की सलाह दी जाती है, उस तरफ देखने की सलाह दी जाती है। मस्त मौला होके ये बैठे हुए हैं, पीछे देख नहीं रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस है, ग्रोथ भी हो रही है, पर एक्चुअली इनका ध्यान कहीं और ही है। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको आने वाले मंथ में फोकस करने की ज़रूरत है। आप देखिए कैसे हाथ पैर धरे बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे आपके पास स्पेशली, तो आपको उस पर गौर करना है, आपको गौर करना है, उस पर वर्क करना है, उन चीज़ों के बारे में चेकआउट करना है। वो पर्सनल लाइफ हो, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टक नहीं रहना है। मुस्कुरा रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, मतलब ये क्या, कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए, बिकॉज ग्रोथ के हाई लेवल चांसेस हैं नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ ग्रोथ हो रही है, इंसान देख रहा है कितनी हो गई है और कितनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपनी एनर्जी को रखना है। सवाल का जवाब यस है, बट ये मे भी हो सकता है अगर आपने वर्क नहीं किया तो प्रॉपर, ठीक है। कोई सवाल यस नो में था तो यस आंसर है, मे बी में मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारी निकला ये पाइसेस यानी कि मीन राशि, देखते हैं इनके लिए क्या निकल के आता है। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट कार्ड हमें जो मिल गया है, और अरे हमें दोनों कार्ड एक साथ मिले हैं, तो चलिए हम दोनों कार्ड्स लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक पाइसेस एंड मीन राशि। थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सवाल का जवाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी आई है, ये आपको भी क्लियरली दिख रही है, तो इसके संग यस तो बिल्कुल भी नहीं है, मे बी है वेट की कहा जाएगा। वेट का इसलिए कहा जाएगा बिकॉज फाइनेंशियल चीज़ों को लेके कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव उसमें दिख रही हैं, एक तजुर्बेकार चीज़ें दिख रही हैं, एक तजुर्बेकार इंसान दिख रहा है जो बहुत तजुर्बा रखता है, अपने बूते पे खुद को बिल्ड किया है, काफ़ी कुछ कर सकता है, काफ़ी कुछ करने की कुवत रखता है, और नेक्स्ट मंथ ऐसा आप करेंगे भी, अपने बूते पे आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ों को देखते हुए यस भी है और वेट भी है, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ थोड़ा सा रुक कर कीजिए, तजुर्बा आपके पास है, शांत दिमाग से करेंगे चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी। बट यहाँ पर एक जो नेगेटिव का फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके पेंटिकल्स को छोड़कर वो लोग जा रहे हैं, मनी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप गौर से देखिए कितनी नेगेटिविटी आ रही है इस कार्ड से।
कुछ चीज़ें हो गई हैं जिससे वो ब्लास्ट हो गए, उनकी लाइफ में नहीं ध्यान दे रहे हैं वो, तो एक बिग यस मैं नहीं बोल सकती हूँ आपको अभी, है ना। बट नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपका तजुर्बा आपके काम आएगा, उस तजुर्बे के संग आप चीज़ों को डिसीजन भी लेंगे। पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को आपको बुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखने की ज़रूरत है। तो आपको एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट करना है या कंट्रोल करना है खुद को। लाइटली चीज़ें नेगेटिव व्यू में हो सकती है, बट वो हाई लेवल नहीं होंगी, बिकॉज आपका तजुर्बा यहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके काम आएगी, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ वो हर वे में ये चीज़ जाएगी। इसको जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिए, बिल्ड होकर आप डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बट सोच विचार के कीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, ठीक है। न्यायप्रिय पर्सन है आप गलत चीज़ों की सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सही चीज़ें होती हैं आप उन्हीं की सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का सपोर्ट करना आप पसंद करते हैं। आप दो टुक और क्लियर बात करने में यकीन रखते हैं, बट हाँ यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है आप खुद देखिए, मूव ऑन की एनर्जी आ रही है पेंटिकल्स के होते हुए, पेंटिकल्स के होते हुए मूव ऑन एनर्जी फॉर नेक्स्ट मंथ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। सोच विचार कर डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए कि आप स्टक फील कर रहे हैं आगे चल के, ओके। पावरफुल कार्ड आया है किंग ऑफ थॉट्स का, काफ़ी तजुर्बेकार कार्ड होता है ये, जो आपके तजुर्बे को शो करता है। बट आपको ये कार्ड्स यही बताते हैं कि आपको अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना है, जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई चीज़ जगह पलायन नहीं करना है। ये कार्ड एक पलायन शो करता है, ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। सो वेट का है ये कार्ड, और बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन इज विच 11 नंबर इज कन्या। चलिए इनको देखते हैं हम क्या निकलता है इनके लिए। थैंक यू पहले से भी देखा था, ओके। साथ प्रेयर करेंगे 357 जितनी बार भी करनी है, कार्ड देखते हैं, ओके। क्यों नो किंग ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ आपके संग बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, चीट कर सकता है कोई, आपको कार्ड की एनर्जी बता रही है। ये देखो कितना नेगेटिव कार्ड है, ये इंसान आप सामान चुरा के भाग रहा है और बड़े खुश होकर देख रहा है कि देखो मैं किसी को पता भी नहीं चला मैं लेके भाग गया। आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है, बी केयरफुल इन अमाई, बी केयरफुल, नज़र रखिए चीज़ों पर क्या है, कोई अपना आपको धोखा दे सकता है। इट्स अ नियर, अपना मीन्स इज फ्रेंड सर्कल सर प्रोफेशनल जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, रिलायबल पर्सन फॉर यू। ग्रोथ आया है, सवाल का जवाब तो यस है, बट एक्चुअली यहाँ पर ये मई के रिगार्डिंग भी चल रहे हैं हम पैरेलल में, तो थोड़ा सा धोखा चीटिंग्स भी मिलने के चांसेस हैं। ये नाइट ऑफ वैंड्स आया है, ग्रोथ लेके आप एक्शन लेके आगे बढ़ेंगे चीज़ों के, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छी एनर्जी का एक्शन कार्ड है। मई में एक्शन लेंगे आप चीज़ों को, जो भी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ स्टडी हेल्थ कुछ भी, योगा वगैरह करेंगे अगर हेल्थ सही नहीं है तो, शायद कोविड हुआ है अभी हाल ही में, आपको इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, बिल्ड करेंगे। बट मई के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, जो बिलीवेबल पर्सन है आपकी लाइफ के, उनको वो आपको थोड़ा सा चीट या डंप कर सकते हो, उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये आपके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन है कन्या राशि। थैंक यू एंजल्स। हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि, हमारी लास्ट वन इज 12 नंबर। चलिए प्रोडक्शन फॉर फोर ऑफ वैंड्स, ग्रेट एंड वन कार्ड क्यून ऑफ कप्स। बहुत लविंग लवेबल पर्सन है आप, गर्ल्स हो या बॉयज हो, बहुत फीलिंग है आप में, किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शादी होने के बहुत चांसेस हैं, बिग यस, बट विथ प्लीज़ कंट्रोल योर फीलिंग्स।
आई मीन टू से यू बुलशिट एक्टिविटी नहीं कीजिएगा. क्यों आया ये जवाब मेरे मन में, जो भी है बुलशिट एक्टिविटी मत कीजिएगा. बहुत अच्छी बुलशिट से सेंस इज दिस कि डोंट चेक आउट एनी वन. ओके, डोंट चेक आउट एनी वन. जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो भी आपसे बहुत लाइकनेस रखते हैं या रखती हैं. जो भी चीज़ें ये देखिए कार्ड्स, वो भी कप लेके बैठे हैं. आप तो देख ही रहे हो वीडियो, आप तो देख ही रहे हो वीडियो क्योंकि फीलिंग्स हैं आप में, है ना. और वो भी कप लेके बैठे हैं, वो भी ख्वाहिश रखती है मैरिज की, वो भी ख्वाहिश रखते हैं मैरिज की, लड़का लड़की जो भी है. तो ओके, रिगार्डिंग टू बिजनेस भी अगर है तो वो भी ख्वाहिश रखते हैं इन्वेस्टमेंट की. रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर है तो वो आप सेल आउट करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हैं. हेल्थ के रिगार्डिंग है, थोड़ा सा मेंटल स्टेटस को सही कीजिए. चीज़ें सेलिब्रेशन मोड में हैं इन आर माई, तो गुड फॉर यू. माई अच्छा है आपके लिए. और एंड ऑफ कार्ड्स, एंडिंग इज अ गुड, सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके फॉर माई व्यूअर, आई होप आप लोग भी बहुत हैप्पी हो. ठीक है, चलिए तो इन्हें भी हम यहाँ रखते हैं. और ऐसे मेरे मन में क्यों आ रहा है कि मैं बोनस रीडिंग दे दूँ एक इसी रीडिंग के संग, जिन्होंने पूरी कंप्लीट 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 वीडियो को वॉच किया है. चलिए एक बोनस देती हूँ आपको. मन में सवाल सोचिए, 3. ये बोनस से रीडिंग है फॉर माई व्यूअर जिन्होंने पूरी वीडियो को वॉच किया है. एंजल्स, हम आप ही के दिए हुए कार्ड लेंगे पर थोड़ी देर से. दिस टाइम सेइंग समथिंग फॉर माई विथ माई व्यूअर, वो ये कि मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी. यस नो है सवाल, 3 माइंड में कर लीजिए. एनर्जी के अकॉर्डिंग कनेक्ट विथ यू. डिटेल नहीं दूंगी, बस क्विक ये जो रीडिंग होगी ये बोनस रीडिंग होगी मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली. और यहाँ पर क्विक आंसर होगा, क्विक क्वेश्चंस का मन में रख लीजिए. 3 कार्ड्स हम निकालेंगे. हमारा फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स मिला है. ओके, तो आपका अगर पहला सवाल था जो भी इज बिग यस, बिग यस. फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं, कुछ भी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, एनीथिंग रिलेटेड, कुछ भी सवाल इज अ बिग 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 यस फॉर यू माय व्यूअर. फर्स्ट कार्ड. सेकंड सवाल आप मन में कर सकते हैं. मैं सेकंड कार्ड्स अब निकाल रही हूँ. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. ये बोनस रीडिंग है, मैं आपको बता दूँ. सेकंड कार्ड हमारा मिल गया है हमें, हाई प्रेस्टीज. देखिए यहाँ पर ये गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है. वैसे सवाल के अकॉर्डिंग यस है, ठीक है, यस है, पर थिंकिंग और सोच विचार कर यस है. मतलब जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लेने की सलाह है. और अपने आप को दूसरों के सामने कंप्लीट ट्रांसपेरेंट उतना भी मत बनाइए कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं. ये सलाह है मेरे व्यूअर्स के लिए. ओके, उतना ही रखिए जितनी ज़रूरत है. मैं हमारा थर्ड कार्ड मिल गया है, पर थर्ड कार्ड एक्चुअली 2 कार्ड्स में आए हैं. और क्योंकि हम कह चुके हैं हम एंजल के दिए कार्ड्स ही लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी रुकने की सलाह दी जाती है. ठीक है, 2 कार्ड्स हैं तो मैं बोलूँगी एक सवाल का जवाब नो है और एक सवाल का जवाब वेटिंग है. नो क्यों है, देखिए यहाँ पर सर्चिंग सवाल आया है. दूसरा आया है डेथ कार्ड. डेथ कार्ड इज़ अ न्यू बिगनिंग. न्यू बिगनिंग तो यानी नेक्स्ट मंथ पर्पज से हम चीज़ें ले रहे हैं. और यस नो बोनस रीडिंग है तो यहाँ सर्चिंग मतलब सोच विचार करके लिए गए स्टेप जिंदगी के एक न्यू बिगनिंग की तरह आपको लेके जाएंगे. तो यानी थोड़ा सा वेट और फिर एक फतह है. तो वाली एनर्जी निकल कर यहाँ पर आई है. कार्ड आपको क्लियरली दिख ही रहे हैं, तो जो लोग टैरो कार्ड देखते हैं वो समझ ही गए होंगे. डेथ मीन्स इज न्यू बिगनिंग. आप अपसेट हो, लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है. प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस ठप हो गया है तो एक न्यू बिगनिंग आने वाली है. सही चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, सही तरह से खोजबीन करें. आप कैपेबल हैं, आप इतने कैपेबल हैं. ये देखिए कुछ नहीं होता डेथ होने से. अगर आप पृथ्वी पे हैं और आपके अंदर सांसें बाकी हैं तो आपकी न्यू बिगनिंग होनी है.
ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स. मैं अपने व्यूअर से ये भी कहना चाहूँगी, वो चाहें तो टैरो कार्ड के रिगार्डिंग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि वो किस टॉपिक्स पर रीडिंग कवर करना चाहते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्थी एंड सेफ.